हमारे देश में गरीबों को लाभ मिले से कई योजनाएं चलती हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि जिसके लिए योजना है उसी को जाता है कि किसी और जगह पे जाता है। बीच में कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है? हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है, गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये रुपये को घिसने वाला पंजा कौन होता है? ये कौन सा पंजा है जो रुपये को घिसता घिसता 15 पैसे बना देता है? हमने तय किया कि दिल्ली से एक रुपया निकलेगा तो गरीब के हाथ में 100 के 100 पैसे पहुंचेंगे, 99 नहीं। और उसी गरीब के हाथ में पहुंचेंगे जिसका इस पर हक है। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की परंपरा चलाई, रजिस्ट्रेशन किया, और मैं इस पवित्र स्थान पर बैठ रहा हूं, डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी के बगल में बैठ रहा हूं, यहां की पवित्रता का मुझे पूरा अंदाज है, ईमानदारी का पूरा अंदाज है। और उस पवित्र स्थल से मैं कह रहा हूं, हमारे इस एक प्रयत्न के कारण अब तक, अभी तो सब राज्य हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, कुछ राज्यों ने इनिशिएटिव लिया है, भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, अब तक 57,000 करोड़ रुपीज, 57,000 करोड़ रुपया जो किसी गैर कानूनी लोगों के हाथ में चला जाता था, चोरी हो जाता था, वो सारा बंद हो गया और सही लोगों के हाथ में सही पैसा जा गया। अब मुझे बताइए, जिनकी जेब में हर साल 50-60 हजार करोड़ जाता था, उनकी जेब में जाना बंद हो गया, वो मोदी को पसंद करेंगे क्या? वो मोदी पे गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? मोदी के बाल नोच लेंगे कि नहीं नोच लेंगे?